चंडीगढ़ पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। चंडीगढ़ पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर एक चोर को गिरफ्तार किया, जिस पर कई केस दर्ज थे। ये क्राइम ब्रांच ने अपना एक और मेजर ब्रेक थ्रू में हमारे नए डीएसपी के अंडर और इंस्पेक्टर मंजोत के अंडर एक चोर को पकड़ा है, जिस पे हमारे टोटल 12 केसेस खुले हैं और इसमें जो है हमारे 8 इसके टू व्हीलर और 3 कारें से बरामद हुई हैं और एक चेन जो गोल्ड चेन इसने बताई वो मिली है। इसका नाम कुलदीप है और अब तक 175 केसेस में एक्यूज रह चुका है। चंडीगढ़ के भी इसने जो है पीछे हम लोगों ने 2012 में करीब इसको अरेस्ट किया था, तब भी हमारे जो है 25 केसेस खुले थे और अभी इस बार 12 केसेस हैं। तो पहले भी ये काफी इस तरह की कारजैकिंग की वारदातें कर चुका है, कार में से सामान पड़ा है निकाल लेगा। तो हमें 25 तारीख को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये चंडीगढ़ में जेन से एंटर करेगा केमवाला साइड से, तो नाका लगा और उसको वहां से पकड़ा गया। तो जो जेन थी ये भी चोरी की जेन थी, पीछे 22 तारीख को चोरी हुई थी पंजाब जो हेडक्वार्टर है पुलिस हेडक्वार्टर उसके पीछे से। तो इसने बाकी चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है। इन गाड़ियों को ले जाके आगे बेच देता था 5,000 में 10,000 में गाड़ी के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से। तो क्विक बक बनाने के लिए अपना जो है अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिल पार्क कर दी, कभी किसी को जरूरत होती थी किसी को बेचनी होती तो वहां से बेचने की कोशिश करता था। कहां बेचता था? आगे जो हो गए इसके रोपड़ में 2-3 दोस्त हैं जिसके नाम ले रहे, तो उनको आगे बेचने का इसका प्लान था जैसी जरूरत होती थी। तो ये है इसका और काफी सक्रिय है, काफी एक्टिव है काफी टाइम से। 2004 में पहली बार गाड़ी में से स्टीरियो निकालने के FIR में इसको अरेस्ट किया गया, तब से कंटिन्यूस चोरी ही कर रहा है। 2004 से इसके साथ एक शीट दी हुई है हमने, इसमें इसके रिकॉर्ड लिखे हुए हैं जो पुराने हमारे चंडीगढ़ के साथ में आर्म्स एक्ट के भी केसेस हुए हैं इसके साथ में और पीछे काफी वारदातें इसने करी हैं चंडीगढ़ में। अभी तक तो अकेला है पर कई चीजों में जैसे मोटरसाइकिल है, स्नैचिंग भी एक इसके पास है। तो क्विक बक बनाने के लिए इसके कई सारे एसोसिएट भी हैं पीछे रोपड़ से बता रहा है कि उनके साथ में करता था ये। तो किसी भी तरह का कोई काम करने में परहेज तो अभी तक इसने नहीं बताया, तो सारे काम इसने किए हुए हैं काफी एक्टिव। पैसे नहीं, नशा नहीं है, पैसा इसको एक तरह से कहीं आदत है। तो जो है पैसे के लिए जैसे क्विक बक बनाना है, तो इसका अभी पीछे जो चंडीगढ़ में एम था कि रोज फेस्टिवल है इसमें गाड़ियां पार्क होती हैं तो गाड़ियों में से सामान निकालना शीशा तोड़ना उसमें काफी माहिर है, तो ये भी एक एम था कि वहां पे जो है जाके चोरी कर मैक्सिमम लोगों को ये चोरी कर सके वहां से गाड़ियों से। स्नैचिंग का 34 में है, 34 स्नैचिंग नहीं, मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे इसका एसोसिएट है पीछे, तो अभी रोपड़ से हैं कुछ लड़के बता रहे। तो कितने बंदे साथ में इसके? 4 टोटल हैं जो बता रहा है पीछे, तो हम लोग लगे हुए हैं इसमें। नहीं मैम, ओनली क्वालिफिकेशन ये लिफ्टिंग व्हीकल्स एंड ऑल, काफी टाइम से इसमें लगा हुआ है। नहीं, ये पूरे काफी उसमें लिखे हुए हैं, मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, करनाल, चंडीगढ़, सारे चोरी के और आर्म्स एक्ट के और इस तरह से। कन्विक्ट अभी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कन्विक्ट हुआ है नहीं हुआ अभी अपनी तरफ से इसने नहीं बताया कुछ। 2004 में ये आइडिया नहीं, पर ये छोटे केसेस हैं तो यूजली 2-3 महीने में बेल हो जाती है, उसके बाद फिर तो केसेस चलते रहते हैं। नहीं नहीं मैम, सारी पुरानी गाड़ियां हैं। एक जो हमें जो गाड़ियां मिली हैं ये एक तो होंडा सिटी है, एक स्टीम है, एक जेन है, तो तीनों काफी पुरानी गाड़ियां हैं, तो इजी टू पिक टाइप हो जाती हैं, काफी सिस्टम इनके वीक ही होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम भी होते हैं। ये चोरी कैसे करते हैं? मास्टर की मास्टर की हो गया, स्केल हो गया, और अगर गाड़ी मतलब शीशा तोड़ के भी निकाल सकता है, पर ये तीनों गाड़ियां इसने आराम से की से ही करी हैं, सारी खोली हैं। पर ये सारे काम मतलब सब तरीके से जो पीछे इसके केसेस हैं उसके बारे में बताया इसने, तो सब कुछ इसका ही इज नॉट एवर्स है। नहीं नहीं, इसको पैसा बनाना है बेसिकली, इसको पीछे से भी रिक्वायरमेंट आती है बाकी लोग, जैसे किसी ने बोला मार्केट में इसको अगर जरूरत है चोरी की गाड़ी चाहिए तो ही विल ट्राई टू स्टील इट एंड गिव इट टू देम, उस टाइप से। इसने हमारे उसमें तो नहीं बताई है, बट जैसे ये जेन है ये 5,000 में इसकी डील हो रही थी आगे,
जो रोपर मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ से चोरी करके हमारा ले गया था, वहाँ खड़ी कर रखी थी इसने, फिर जब आया है तो पकड़ा गया है। पर ये गाड़ी 5,000 में बता रहा था कि ये इसकी सेटिंग चल रही थी बेचने के लिए। अम्बाला रोपड़ के लड़के हैं बेसिकली। मैम कोई ऐसे एजुकेशन नहीं है, 31 साल का है ये अभी और थर्ड पास है, मतलब काफी अर्ली ड्रॉप आउट है। पहले के 2012 तक लास्ट अरेस्ट था ये, जब लास्ट टाइम हुआ था, फिर उसके बाद अभी इसको 12 केसेस में अभी अरेस्ट इसने अपना बनाया, ये 12 प्लस 12। फोटो हो गया तो कैमरा वहां से भाग गया था बचपन में, वहां पे डोनेट किया गया था इसको, इसके पेरेंट्स वहां पे है नहीं, इसके कोई वहां पे था, ये मानव बद्दी केंद्र में, हाँ मानव केंद्र है बद्दी में, जो है वहां पे डोनेट किया था ये एज अ मतलब बच्चे उसकी तरह वहां पे था, फिर वहां से भाग गया था जैसे मान ले, हाँ वैसे ही पेरेंट्स इसके है नहीं अभी, वहां से मतलब वहां अर्ली एज में भाग गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर निकल गया वहां से, और फिर तब से इसी चीजों में लगा हुआ। मैम ये तो वो रिकवर हुए हैं जो इसने माने और हमने रिकवर कर लिए, कुछ हो सकता है ऐसे हैं जो ये बेच चुका है पर अभी ना इसको पता है ना हम लोग वो ट्रेस कर पाए हैं, पर इसने माना है कि मैं बेच देता हूँ आगे, इतने इसके केसेस हैं, इतने ज्यादा वारदातें हैं कि ही हिमसेल्फ डजंट नो कि कौन सा कब क्या हुआ है। तो ये तो वो वाले केसेस हैं जो हम लोग वी कुड आइडेंटिफाई एंड वी कुड रिकवर, तो ये है। अब मैं फॉर श्योर नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ यही 12 केसेस हैं इसके खाते के, वो चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बाकी इसके 4 और साथी भी हैं तो उनको एक बार अगर बनेगा तो फिर आगे चीजें पता चलती हैं कि उन्होंने आगे खरीदे हों, उन्होंने बेचे हों। रोपड़ के उसमें जो मेन 2 लड़के हैं रोपड़ के हैं, बाकी 2 आगे के हो सकते हैं, पर ये इसको रोपड़ वाले कब किया पेश और अभी क्या? आज जुडिशियल चला जाएगा हमारे पास, 25 से है ये, 25 से रिमांड पे है, आज जुडिशियल जाएगा। देश विदेश टीवी के लिए चंडीगढ़ से परोसन बर्मन की रिपोर्ट। नवियां अते ताजियां खबरां देखन लई साडे YouTube चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक शेयर सब्सक्राइब किता जावे।